दोस्तों, DIY एट होम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बदलेंगे गाड़ी का कूलेंट। एक्चुअली कूलेंट ऐसी चीज़ है जो काफ़ी हम लोग स्किप कर देते हैं। ये आपके इंजन का एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। ये आपके इंजन को ठंडा रखता है। हम लोग ध्यान रखते हैं कि अपना AC गाड़ी का ठंडा रहे, AC अंदर से कूलिंग हो, लेकिन जो इंजन होता है ये हम काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। तो इसका जो कूलेंट होता है ये भी हमें समय पर बदलना होता है। आइडली जो इसका होता है, जो चेंजिंग पीरियड होता है, 2 से 3 साल में होता है। आपकी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चल गई है तो उसके बाद हमें रिप्लेस कर लेना चाहिए। या फिर आप कूलेंट चेक भी कर सकते हैं कि उसकी कलर क्या है, उसके बेसिस पे आप कितना पानी है, कितना उस पर आपको कलर दिख रहा है, उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं। तो कूलेंट के बारे में बता दूँ, आपके हर एक गाड़ी का अलग कूलेंट होता है। जैसे आप जब गाड़ी आपकी नई गाड़ी आती है, उस जिस कलर का कूलेंट डाला होता है हमें वही डालना होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैं सर्विस सेंटर पर भी देखा है, जो आपके ऑथराइज नहीं, जो आपके ये मैकेनिक होते हैं दूसरे, वो क्या करते हैं, आपका जो कूलेंट अगर ग्रीन कलर का डाला होता है, ग्रीन की जगह रेड डाल देंगे, जो उनके पास अवेलेबल है वो डाल देते हैं। लेकिन जो आपका इंजन डिज़ाइन होता है वो आपके हर एक कूलेंट के हिसाब से डिज़ाइन होता है, जो कि वो नहीं डालते। तो कूलेंट क्यों ज़रूरी होता है? एक्चुअली कूलिंग आपका पानी ही करता है, लेकिन कूलेंट जो होता है वो अगर हम पानी के साथ मिलाते हैं तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो बढ़ जाता है कूलेंट मिला के। यानी अगर वो 100 पे नॉर्मल पानी अगर बॉयल हो रहा है, कूलेंट मिला के वो लगभग दोगुना हो जाता है। लोग क्या गलती करते हैं, आपका कूलेंट की जगह पानी ही मिला देते हैं और कूलेंट छोड़ देते हैं। और जो कूलेंट होता है आपका, ये एंटी फ्रीज भी कहलाता है, क्योंकि अगर आप जैसे पहाड़ों में जा रहे हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस में है, अगर आप नॉर्मल पानी डालेंगे वो जम जाएगा और आपकी काफ़ी डैमेज कर देगा वो। उस कारण भी हमें उस समय हमें एंटी फ्रीज चाहिए होता है, जो कि कूलेंट ही है आपका। तो एंटी फ्रीज आपके उस पानी को जमने भी नहीं देता। तो दो काम फंक्शनैलिटी करता है, एक जमने नहीं देता पानी को, और दूसरा ये आपका पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ा देता है, जो आपके इंजन ऑपरेशनल टेम्परेचर है उसके आसपास रखता है। टेम्प्ररी अगर आप कहीं फंस गए हैं, कूलेंट आपका लीक हो गया किसी कारण से या नहीं है, तो आप पानी मिला सकते हैं, लेकिन कूलेंट मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपकी गाड़ी को कोरोजन से बचाता है। अगर आपने पानी डाल दिया है तो आपका रेडिएटर ख़राब हो जाता है, उसमें जंग लग जाएगा, आपका जो इसमें पंप होता है उसमें जंग लग जाएगा, जो आपकी इसकी लाइनिंग है जहाँ कूलेंट फ्लो करता है उसमें भी जंग लग जाएगा, और बाद में आपका काफ़ी डैमेज जाएगा, उसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो रेडिएटर को फ्लश करने के लिए और उसमें दोबारा कूलेंट रिफिल करने के लिए मैं ये डिस्टिल वाटर यूज़ करूँगा। ये बैटरी की दुकान से मिल जाता है, 50 रुपये का आपको ये लगभग 5 लीटर मिल जाता है, तो मैं ये यूज़ करूँगा। आप RO का पानी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है डिस्टिल वाटर का, लेकिन हाईली रिकमेंडेड आपका डिस्टिल वाटर ही रहेगा। तो मैं डिस्टिल वाटर यूज़ करूँगा, तो आपका जो रेशो बनेगा वो 1:4 का होगा। आपका एक हिस्सा आपका कूलेंट होगा और चौथा हिस्सा आपका पानी होगा। तो जो आप भी कूलेंट यूज़ करते हैं तो उसमें आपका लिखा होता है, आप कोई भी गोल्डन क्रूज़र का यूज़ करेंगे, जैसे कि ये TVS का, आप TVS का यूज़ करेंगे तो उसमें लिखा होता है, तो आप उसमें देखते हैं 1:4 का रेशो है। तो यही रेशो हम यूज़ करेंगे कूलेंट बनाने के लिए और उसको रिफिल करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो फ्लश करने के लिए है, हम केवल आपका ये आपका डिस्टिल वाटर ही डालेंगे, इसी से हम केवल फ्लश करेंगे। तो आपकी गाड़ी में जो है कूलेंट का रिजर्वायर होता है एक। आजकल जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपका यहाँ पे होता था आपका कूलेंट का रिजर्वायर, लेकिन अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें आपके जो रेडिएटर है उसके बगल में ही आपका कूलेंट का रिजर्वायर लगा दिया गया है। जैसे मैं होंडा अमेज की बात कर रहा हूँ, इसमें आपका कूलेंट का रिजर्वायर अब रेडिएटर के बगल में ही आप देख सकते हैं, ये है कूलेंट का रिजर्वायर, यहाँ पर है इसका। तो आपका कूलेंट है वो इंजन में सर्कुलेट होता है, तो थर्मोस्टेट है वो कंट्रोल करता है कि आपका जो टेम्परेचर है, आपका इंजन के ऑपरेशनल टेम्परेचर से ज़्यादा जा रहा है, उस समय थर्मोस्टेट एक्टिवेट होता है, वो ओपन करता है और आपका कूलेंट गाड़ी में सर्कुलेट करना शुरू होता है। तो हम फ्लश तो भी ऐसे ही कर देंगे, इसको निकाल देंगे, आपका जो कूलेंट है पुराना हम निकाल देंगे। जब हम पानी इसमें डालेंगे फ्लश करने के लिए, तो हम गाड़ी को 10 से 15 मिनट स्टार्ट करेंगे ताकि अपने ऑपरेशनल टेम्परेचर पर पहुँच जाए और जो पानी है वो आपका सारी लाइनिंग में सर्कुलेट हो और प्रॉपर फ्लश हो जाए। और जब हम रिफिल करेंगे दोबारा कूलेंट, तब भी हम यही करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे 10 से 15 मिनट और उसमें हम कूलेंट रिफिल करते रहेंगे। तो कूलेंट रिप्लेस करने के लिए आपको कोई टूल नहीं चाहिए, आपको बेसिक चीज़, आपको बस आपको ये कैप खोलनी है। किसी गाड़ी में आपका ये रेडिएटर में ये कैप नहीं होती है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रही है, अगर ये कैप नहीं होती है तो उन गाड़ियों में आपका जो कूलेंट रिफिल होता है, जो आपका रिजर्वायर है कूलेंट का, वहाँ से रिफिल होता है। तो आइए पहले मैं आपको दिखा दूँ कूलेंट कैसा है इस गाड़ी में। तो जब भी आप ये कैप खोलेंगे ध्यान रखिएगा कि आपकी गाड़ी गर्म ना हो, नहीं तो इसमें बहुत स्टीम होती है, वो आपको जला सकती है। तो अभी ये गाड़ी बिल्कुल ठंडी है, अभी इंजन स्टार्ट ही नहीं है, तो आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कम ही है कूलेंट, और वैसे मैंने जो उसका कूलेंट चेक किया था इसमें लगभग ग्रीन कलर है ही नहीं, थोड़ा सा ग्रीन कलर है, बाकी पानी ही है इसमें।
तो एक बार मैं जब फ्लश करूँगा आपको तब भी दिखाऊँगा इसका क्या कौन सा कलर है। तो फ्लश करने के लिए आपका क्या होता है, हर एक गाड़ी में जो आपका रेडिएटर होता है, तो मैं रेडिएटर दिखा दूँ। इस गाड़ी में आपका ये रेडिएटर है आपका, ये पीछे वाला, ये आगे वाला एसी के लिए होता है, ये पीछे वाला आपका रेडिएटर है जिसमें आपकी कैप लगी होती है, ये रेडिएटर होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हर एक गाड़ी में जो आपका रेडिएटर होता है उसके नीचे की तरफ एक प्लग होता है, उसको आप खोलेंगे आपका सारा कूलेंट वहाँ से फ्लश हो जाएगा। तो हर एक गाड़ी में अलग अलग होता है, किसी में आप हाथ से खोल सकते हैं, किसी में आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए। जो होंडा मेज में है वो आपका नॉर्मल आपका प्लग है, आप हाथ से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो होंडा मेज में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक प्लग दिख रहा है, तो ये प्लग हमें नॉर्मल अपने हाथ से या फिर आपके पास कोई प्लास्टिक अगर ज़्यादा टाइट है तो प्लास्टिक से खोल लेंगे ये प्लग, और आपका जितना भी कूलेंट है सारा फ्लश हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसका कूलेंट फ्लश करते हैं। गाड़ी भी ठंडी है, मैंने इसको स्टार्ट नहीं करा है, तो आपका कूलेंट निकलना शुरू हो गया, देख रहे हैं लगभग ये पानी जैसे ही कलर का है। तो मैंने रेडिएटर की जो एक कैप है ये भी खोल दी है, तो ये कैप खोल दी इस कारण थोड़ा जल्दी पानी निकलना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग इसका कूलेंट निकल चुका है, पानी नहीं गिर रहा है, बस बूंद बूंद गिर रहा है। तो वापस हम ये कैप इंस्टॉल कर देंगे। तो वापस कैप हमने इंस्टॉल कर दी है। अब इसका जो रेडिएटर का ये है, इसमें हम यहाँ से दोबारा इसमें पानी रिफिल करेंगे। तो लगभग इसमें आपका है 2 से 3 लीटर पानी डालना चाहिए अभी, तो लगभग ये भर चुका है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी लेता रहेगा, और जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो इसमें मुझे और इसको रिफिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पंप तब एक्टिवेट होगा जो पानी सर्कुलेट करेगा, तो उसमें भी डालना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आपका जो थर्मोस्टेट ओपन होएगा तब पानी सर्कुलेट होना है। तो एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो आपको तब दिखाता हूँ, अभी ये पानी अंदर चला जाएगा। एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अभी आप देखते हैं इसमें पानी दिख रहा है आपको, ये धीरे धीरे आपका चला जाएगा। तो इसको मैं लगभग 10 से 15 मिनट छोड़ूंगा ऐसे, ताकि जो आपका इसका ऑपरेशनल टेम्परेचर है वो जल्दी आ जाए। अगर आप चाहते हैं ऑपरेशनल टेम्परेचर इसका जल्दी अटेन हो जाए, तो आप गाड़ी का एसी भी ऑन करके छोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी चला गया अंदर, और तो हम और पानी रिफिल करेंगे। आपको गाड़ी का टेम्परेचर दिखाने के लिए मैंने ओबीडी स्कैनर यूज़ किया है, और ये मैंने ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल की है। तो उसमें आप देख सकते हैं अभी जो कूलेंट का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, तो ये लगभग आपका 90-91 ही रहता है। तो अब ये अपने ऑपरेशनल टेम्परेचर पर पहुँच गया है। तो जो हमने पानी डाला था वो हम निकालेंगे अब। तो अब हम ये जो प्लग है इसको अब हम ऊपर से प्लायर से खोलेंगे, नीचे से हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी गर्म होगा। नीचे निकलना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे से ऊपर से खुलिएगा, और इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। तो एक बार कैप भी खोलेंगे, कैप खोलेंगे तभी पानी आएगा। अभी पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कूलेंट की कैप अभी बंद है। इसको जब खोलेंगे तो पानी आएगा, मैं आपको दिखा दूँ। ये देख, जब तक इसका पानी फ्लश हो रहा है तो हमें जो इसका कूलेंट रिजर्वॉयर है इसको खोल के निकाल लेते हैं, और इसको साफ करके दोबारा इसमें कूलेंट रिफिल करके इसको यहीं माउंट कर देंगे। आजकल जो मारुति और आपकी हुंडई सब कारों में आजकल आगे ही माउंट करने लग गए हैं कूलेंट, और होंडा में भी। तो आप ये कूलेंट देख सकते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो पुराना कूलेंट है ये जो निकाला है ये वो है, और आपका जो राइट हैंड साइड में है ये नया कूलेंट है। तो ये वाला कूलेंट मैं कूलेंट रिजर्वॉयर में पहले डाल के उसको मैक्स लेवल तक फिल करके उसको मैं माउंट कर देता हूँ।
तो जो कूलेंट थे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेवल तक अप्रोक्सीमेटली भर लिया, थोड़ा मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि जब मैं रेडिएटर में रिफिल करूँगा तो वहाँ पे एक वॉल्व होता है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके कूलेंट आता रहता है, इसमें वापस माउंट कर देते हैं। जो हमने प्लग निकाला था, ये प्लग है जो निकाला था, इसको वापस इंस्टॉल कर दें। तो इस प्लग को भी इंस्टॉल कर देंगे। प्लग आप यहाँ से ऊपर से ही लगा सकते हैं, नीचे से जहाँ से आपको आसानी हो। तो प्लग मैंने इंस्टॉल कर दिया इसका, तो कूलेंट बाहर ना गिरे। अगर आपके पास कीप है तो कीप यूज़ करें, नहीं है तो आप ऐसी एक बॉटल यूज़ कर सकते हैं। मैंने बॉटल का ये अगला मुहाना काट लिया, इसको यहाँ पर आप इंस्टॉल कर दीजिए और इसमें हम यहाँ से कूलेंट भर सकते हैं। तो आपका जो, जैसे मैंने आपको बताया, जो रेशियो है आपका 1:4 का होगा, तो दोबारा इसका वैसे ही आप बनाइएगा। इसका जो मुहाना है रेडिएटर का, जो कैप है, हमने वहाँ तक कूलेंट भर दिया। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें अंदर जो कूलेंट है आपका पंप ऑन होएगा, वो आपका थोड़ा इसमें से कूलेंट ले लेगा और इसमें थोड़ा मोर टॉप अप कर देंगे। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें कूलेंट रिफिल कर दिया है, मैंने गाड़ी को स्टार्ट भी कर दिया था। जितना कूलेंट इसमें जाना था जा चुका है, लगभग मैंने 5-10 मिनट स्टार्ट करके छोड़ा था। उसके बाद मैंने देखा इसमें जितना कम था कूलेंट मैंने मिक्स कर दिया। तो रिफिल करने के बाद आप इसकी जो कैप है ये मैं दोबारा क्लोज कर दे रहा हूँ। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लगभग आपका 350 रुपये में आप घर में ही अपना कूलेंट खुद ही चेंज कर सकते हैं गाड़ी का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।